एक नमन वीरांगना रानी पद्मती पद्मनी को कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है 23 तारीख को ऑडिटोरियम में, जिसके लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक तमिलनाडु से आदरणीय श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी आ रही हैं, और वो उनका राजस्थान में प्रथम प्रवास है, वो प्रवास भी चित्तौड़गढ़ जिले में हो रहा है, उनके साथ भी सोनिया जी आ रहे हैं, और ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम एक बड़ी मातृशक्ति के साथ में रानी पद्मनी को वीरांगना पद्मनी को नमन करते हुए करेंगे। इस कार्यक्रम की ये थीम है और जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी आ रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में 12:30 बजे पर जौहर स्थल पर जाकर हम 75 थालियों के द्वारा, क्योंकि 75वां साल है, अमृत महोत्सव है, हम रानी पद्मनी को वीरांगना को नमन करते हुए आरती उतारेंगे। और ये अमृत महोत्सव है इसलिए आकाश में 75 बैलून भी ट्राई कलर के तिरंगे रंग के उनको भी छोड़ा जाएगा, ताकि चित्तौड़ की इस भूमि पे जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने जान अपना सर्वस्व कुर्बान किया, ये उन रणवाकरों की उन वीरों की भूमि है जिन्होंने पूरे भारत की अस्मिता के लिए अपनी जान लुटा दी। लेकिन क्या इस देश में की महिलाओं ने कितना बड़ा योगदान इस देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए दिया है, तो उन्हीं उसी कड़ी में ये 75 वीरांगनाओं को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महिला मोर्चा अमृत जाकर हम लोगों को आमंत्रित करेंगे उनकी दुकानों पर जाके, बाजार में जो भी मिलेगा पीले चावल बांटकर कि आओ सब मिलकर उस वीरांगना को प्रणाम करने के लिए काम कर चित्तौड़गढ़ की धरा पर हम 23 तारीख को उन सब लोगों का अभिनंदन और करेंगे, और एक नमन पूरी श्रद्धा के साथ में वीरांगना रानी पद्मनी को हम करेंगे।